शेख साहब ने बात कही है कि ऑपोजिशन अब मार्च में कोई मार्च नहीं करेगी, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए मार्च का तो पहले भी ऑपोजिशन ने नहीं कहा कि वो मार्च में मार्च करेगी, ये तो मिसकम्युनिकेशन हुई है या क्या हुई है। मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी अवाम राबता मुहिम शुरू कर रही है और हमने वो स्टार्ट कर दी हुई है। हम जर्नलिस्ट से भी मिले हैं, हम अपने कारकुनों को भी मिल रहे हैं, हम अपने इंफॉर्मेशन विंग को भी फाल बना रहे हैं। हम एक हमने मार्च के महीने में साहिवाल डिवीजन के दौरे का किया है, परसों 2 तारीख को चेयरमैन जो है वो मीट दी प्रेस कर रहे हैं और ये हमने अपने अवाम राबता मुहिम और ये शुरू कर दी है। 6 महीने का चेयरमैन बिलावल ने कहा था कि इंशाल्लाह ताला हम बड़ा तेजी के साथ इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, 6 महीने में ये हुकूमत रुखसत होने वाली है और उसके लिए ऑपोजिशन आज भी मुत्तहिद है। बाकी तमाम पार्टियों के अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, अपने अपने नजरियात हैं, वो उनके साथ है। इस तरह तो नहीं है कि कोई नून लीग पीपल्स पार्टी में जम हो सकती है या पीपल्स पार्टी नून लीग में हो सकती है। ऑपोजिशन की दोनों जमातें हैं, इश्यूज पे हम इकट्ठे भी होंगे, अलहदा भी होंगे। मौलाना साहब के साथ जैसे था, हमने क्लियर कहा था कि मौलाना साहब हम आपके धरने का हिस्सा नहीं है, हम आपकी एहतजाजी तहरीक में आपका साथ देंगे, आप हमें अपना प्रोग्राम बता दो कि हम ये करना चाहते हैं, हम आपको बता देंगे कि हम आपके साथ इस हद तक जाएंगे। जो हमारी कमिटमेंट थी हमने मौलाना साहब के साथ भी उसको पूरा किया।